नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यन परिहार और ये वॉकअप के सीरीज का फिफ्थ पार्ट है। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग वॉकअप सीखेंगे, जैसे समोसे को क्या बोलते हैं, कचौड़ी को क्या कहते हैं या जलेबी को क्या कहते हैं। थोड़ा सा फनी लग रहा है, बट मोस्ट ऑफ लोगों को ये पता नहीं रहता कि इन वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है, तो ऐसे ही कुछ फैक्ट है लेते हैं। ठीक है, पहला जो वर्ड है वह है समोसा। समोसे को इंग्लिश में बोलते हैं रिशॉल, RISOLE, रिशॉल। रिशॉल मतलब होता है समोसा। जो नेक्स्ट वर्ड है पकौड़े, बरसात का टाइम हो और पकौड़ों की याद ना ऐसा हो ही नहीं सकता, तो पकौड़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रिटर्स। फ्रिटर, FRITERS, फ्रिटर्स। फ्रिटर्स मतलब पकौड़े। जो नेक्स्ट वन सब्जेक्ट वो है जलेबी। जलेबी को इंग्लिश में बोलते हैं फनल केक, FUNNEL, फनल केक। फनल केक मतलब जलेबी। जो नेक्स्ट वर्ड है पानीपुरी, इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कहीं कहीं पानी पूरी, कहीं कहीं टिक्की भी बुलाते हैं। ठीक है ना, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर वॉल। ठीक है, जो नेक्स्ट वन वर्ड है नमकीन। नमकीन को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्प सॉल्टी। क्रिस्प सॉल्टी मतलब नमकीन। नेक्स्ट वन वर्ड है कचौड़ी। कचौड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं पाई। जैसे किसी ने बोला मुझे एक कचौड़ी दे दो, तो क्या बोलेंगे, अ पीस ऑफ पाई, या गिव मी अ पीस ऑफ पाई, मतलब मुझे एक कचौड़ी दे दो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रायता। रायता को इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड कर्ड। मिक्स्ड कर्ड मतलब रायता। नेक्स्ट वन वर्ड है वह है घी। घी को इंग्लिश में बोलते हैं क्लैरिफाइड बटर। क्लैरिफाइड बटर मतलब घी। नेक्स्ट वन वर्ड है सॉस। सॉस मतलब क्या होता है, चटनी। अब चटनी तीन टाइप की हो सकती है, या तो तीखी रहेगी, या मीठी चटनी रहेगी, या कैसी रहेगी, नमकीन रहेगी। तो जो मीठी चटनी को बोलते हैं उसको स्वीट सॉस बोलते हैं, जो नमकीन चटनी रहती है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्टी सॉस, और जो तीखी चटनी रहती है उसको चिली सॉस बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ वर्ड थे। थैंक यू।